प्यारे बच्चों, इस ज़माने में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कोरोना वायरस का नाम ना सुना। आपने भी सुना होगा। ये एक बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। कोरोना वायरस के साथ साथ आपने वैक्सीन का नाम भी सुना होगा। वैक्सीन उस दवा को कहते हैं जो इंसानी जिस्म में किसी बीमारी के खिलाफ ताकत पैदा करती है और इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। आजकल दुनिया भर के साइंसदान कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में मसरूफ हैं, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान साइंसदान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया की पहली वैक्सीन ईजाद की। उससे पहले किसी के जहन में वैक्सीन बनाने का ख्याल नहीं आया था। उस मुसलमान साइंसदान का नाम है मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी। लेकिन मगरबी दुनिया का ये कहना है कि दुनिया की पहली वैक्सीन एक अंग्रेज़ डॉक्टर एडवर्ड जैनर ने ईजाद की, हालांकि ये गलत है। आइए आपको मोहम्मद बिन ज़करिया अल राज़ी के बारे में बताते हैं। ज़करिया अल राज़ी आज से बहुत साल पहले ईरान के एक शहर रे में पैदा हुए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने तिब, रियाजी, फलकियात और केमिस्ट्री की तालीम हासिल की। वो अपने ज़माने के ज़हीन तरीन इंसान थे। ज़करिया अल राज़ी ने मेडिसिन और केमिस्ट्री में इतनी महारत हासिल कर ली कि उन्हें उस ज़माने के सबसे बड़े अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया, जहां वो मरीजों का इलाज किया करते थे। ज़करिया अल राज़ी ने बहुत सी किताबें लिखीं जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताया। बच्चों, उस ज़माने में चीचक का मर्ज ला इलाज समझा जाता था। चीचक को हम स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स भी कहते हैं। जिस इंसान को चीचक का मर्ज लाहक हो जाता तो लोग उससे दूर भागते थे और उसे किसी वीरान जगह पर छोड़ आते थे। उन्हें ये खौफ होता था कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल ना जाए। तो बच्चों, ज़करिया अल राज़ी ने चीचक के मर्ज पर तहकीक की और आखिरकार उसकी एक वैक्सीन तैयार कर ली। चीचक के मरीज उस वैक्सीन से तंदुरुस्त होने लगे और उस बीमारी का खौफ खत्म हो गया। ये ज़करिया अल राज़ी का बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन बच्चों, मगरबी दुनिया ज़करिया अल राज़ी के इस कारनामे को नहीं मानती और चीचक की वैक्सीन तैयार करने का एजाज़ एक अंग्रेज़ डॉक्टर एडवर्ड जैनर के नाम करती है, जो कि गलत है। एडवर्ड जैनर ने ज़करिया अल राज़ी के इस कारनामे से कई सौ साल बाद ये वैक्सीन तैयार की, जबकि ये काम ज़करिया अल राज़ी कई सौ साल पहले ही कर चुके थे। ज़करिया अल राज़ी की लिखी हुई किताबें आज भी मगरब की दरसगाहों में पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों, हमें अपने इन मुसलमान साइंसदानों पर फ़ख्र होना चाहिए जिन्होंने अपने इल्म और तहकीक से इंसानियत की खिदमत की और सारी ज़िंदगी इल्म हासिल करते रहे।